हेलो स्टूडेंट, टुडेज़ टॉपिक इज़ जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। यानी कि आज का जो हमारा विषय है उसमें हम जेंडर यानी लिंग, लिटरेसी यानी साक्षरता और कल्चर यानी जो संस्कृति है उसके बारे में पढ़ेंगे इन रोमन सोसाइटी। यानी कि रोमन सोसाइटी में किस तरीके से जो जेंडर्स होते थे, यानी कि जो मेल एंड जो फीमेल है उनके बीच में किस तरीके से जो पावर्स थी, जो राइट्स थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन था। लिटरेसी यानी कि जो साक्षरता दर, यानी जो कितने लोग वहाँ पे पढ़ते थे, और वहाँ का जो रोमन सोसाइटी थी वहाँ का कल्चर किस तरीके का था, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट। वन ऑफ द मेजर मॉडर्न फीचर ऑफ रोमन सोसाइटी वाज द वाइड स्पेयर्ड प्रिवलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। अगर हम देखें तो जो रोमन समाज में जो अधिक जो मॉडर्न टाइप में, जैसे जो हमें आज के समाज में देखने को मिलता है, उसी तरीके से जो रोमन सोसाइटी थी यानी कि जो रोमन समाज था उसमें भी न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार जो थे, यानी एकल परिवार का जो प्रचलन हमें देखने को मिलता था। जैसे आज हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है यानी कि जो एकल परिवार हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो सेम जो फीचर्स था वो रोमन सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता था। जो न्यूक्लियर फैमिली है उससे जो हमारा आशय है कि एडल्ट सन डिड नॉट लिव विथ देयर फैमिलीज, यानी कि जो एडल्ट सन होते थे, जो जवान जो पुत्र होते थे, वो अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। साथ ही साथ एंड द वे एक्सटेम्पनल ऑफ एडल्ट ब्रदर इज शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड। और वहीं पर हम देखें तो जो आपस में जो व्यस्त जो जवान भाई थे वो भी आपस में एक जगह पर निवास नहीं करते थे, यानी कि वो अलग अलग अपनी उनकी सबकी अलग अलग फैमिलीज होती थी और वो अपनी अपनी फैमिली में अलग अलग रहते थे, उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। जैसा कि हम आज मॉडर्न टाइम में भी हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली की जो सिस्टम है वो आजकल हमें देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड सेवल वर इंक्लूड इन द फैमिली एज द रोमन अंडरस्टूड दिस। यानी कि अगर हम देखें तो दूसरी ओर जो दास होते थे, जो सर्वेंट होते थे, उन्हें परिवार में सम्मिलित किया जाता था, उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि जो रोमन्स होते थे यानी कि जो रोमन वासी होते थे उनके परिवारों में यह धारणा मानी जाती थी। जो परिवार में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फैमिली मोस्टली होती थी, बट जो सर्वेंट होते थे उन्हें जो परिवार में शामिल किया जाता था। बाय द लेट रिपब्लिक द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर ऑफ वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड अथॉरिटी बट रिटेन्ड फुल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर न्यूट्रल फैमिली। अगर हम देखें तो जब रोमन जो एम्पायर था उसमें गणतंत्र की जब स्थापना हुई, तब तक जो विवाह होता था, जो मैरिज होती थी, वो इस तरीके से होता था कि जो पत्नी होती थी, जो वाइफ होती थी, वो अपने पति को अपनी जो पूरी जो संपत्ति होती थी, उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, वो उसे ट्रांसफ़र नहीं करती थी। साथ ही साथ जो लड़की है, लड़की की जो पिता की जो परिवार की जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें उसका पूरा अधिकार बना हुआ था। इट मीन्स जो रोमन एम्पायर है उसमें जो मैन एंड वुमेन, जो वुमेन्स होती थी, उनका भी जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें पूरा राइट उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। वाइल द वुमेन डावरी वेंट टू द हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज। जो डावरी यानी कि जो दहेज है, जो महिला का जो भी दहेज होता था वो वैवाहिक अवधि यानी कि जो मैरिज की जो ड्यूरेशन होती थी, जितने समय तक जो शादी चलती थी उसके दौरान वो उसके पति के पास चल जाता था, उसके पति को उस डावरी पर जो उसको राइट्स उसके जो अधिकार हो जाते थे। द वूमेन रिमेन्ड ए प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर एंड बिकम ए इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हिज फादर डेड। जो महिलाएं होती थी उनके अपनी जो अपने जो पिता होते थे, पिता की जो महिलाएं अपने पिता की
मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी, और पिता की मृत्यु के बाद जो वह पिता की जो संपत्ति होती थी, पिता की जो प्रॉपर्टी होती थी, उसकी इंडिपेंडेंट ओनर यानी कि स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इंडिपेंडेंट ओनर का मतलब है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकती थी और उसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती थी। यानी कि जैसे जो फादर की डेथ होने पर जो जो उसकी जो डॉटर होती थी उसे भी पूरे पूरे फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी उस पे राइट्स होते थे। दिस रोमन वुमेन इंजॉय कंसिडरेबली लीगल राइट इन ओनिंग एंड में माइनिंग प्रॉपर्टी। यानी कि जो महिलाएं होती थी इस प्रकार, जो रोम की जो महिलाएं होती थी उन्हें संपत्ति का जो पूरा स्वामित्व वो ऑनर होती थी, और उसे किस तरीके से जो संचालित किया जाए, कैसे उसको वो मैनेज करे, उसकी जो पूरे राइट्स होते थे वो वुमेन्स को भी दिए जाते थे। इन अदर वर्ड, इन लॉ द मैरिड कपल वाज नॉट ऑन फाइनेंशियल एंटिटी बट टू एंड द वाइफ इंजॉय कंप्लीटली लीगल इंडिपेंडेंट। अगर हम देखें तो जो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कानून के अनुसार जो पति पत्नी को आपस में जो संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं, यानी कि जो केवल जो मैरिज होती थी वो ओनली फाइनेंशियल नहीं होती थी, बट दोनों की अपनी अपनी जो अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती थी, और अलग अलग प्रॉपर्टी पर दोनों का अपना अपना अधिकार होता था। जहाँ पर जो हस्बैंड है उसको जितने राइट्स मिले हुए थे, तो जो वाइफ होती थी, जो वुमेन होती थी, उसको भी पूरी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी पर अपना लीगल इंडिपेंडेंस, अपने जो वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। डिवोर्स वाज रिलेटिवली इजी एंड नीडेड नो मोर देन द नोटिस इन इंटेंट ऑफ डिजॉल्व द मैरिज बाय एंटर हस्बैंड और वाइफ। जो तलाक जो होता था, डिवोर्स जो होता था, वो लेना बहुत ही इजी था, बहुत आसान तरीके से डिवोर्स लिया जाता था। जो पति और पत्नी जो होते थे, केवल जो अपना जो डिवोर्स होता था उसे जो केवल इंफॉर्मेशन यानी कि जो इशारे की सूचना देने से ही उनके बीच में डिवोर्स हो जाता था। यानी कि डिवोर्स लेना उस रोमन जो सोसाइटी थी, रोमन एम्पायर के समय डिवोर्स लेना बहुत ही इजी था। हस्बैंड भी डिवोर्स ले सकता था इजीली, और वाइफ भी अपना जो डिवोर्स लेने का, दोनों को ही राइट था, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही डिवोर्स लेने का राइट उसमें दिया गया था। ऑन द अदर हैंड, वर द मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s, वुमेन वर मैरिड ऑफ इन द लेट 10s एंड अर्ली 20s। यानी कि अगर हम देखें तो जो विवाह की आयु में अगर हम देखें तो जो पुरुषों की जो विवाह की आयु थी वो लेट 20s यानी कि 20 साल के बाद, और अर्ली 30s 30 साल से पहले का जो क्राइटेरिया रखा गया था। मतलब जो लड़के की जो शादी होती थी वो 20 साल की उम्र के बाद और 30 साल की उम्र से पहले होती थी, जबकि जो वुमेन्स यानी कि जो गर्ल्स होती थी उनकी जो शादी है वो आफ्टर लेट टीन्स यानी कि जो टीन एज होती थी, यानी कि जो टीन एज मानो जो 16 to 18 ईयर्स, यानी कि लड़कियों की शादी लगभग 16 से 18 साल के बाद में, एंड अर्ली 20s यानी कि जो हम देखें तो 20 से 22 से 23 साल के बीच में उनकी जो आयु होती थी वो होती थी। जो अगर हम देखें जो हमारी जो रोमन सोसाइटी है उसमें जो लड़कों की जो विवाह की उम्र 20 to 30 होती थी, यानी कि 20 साल से लेके 30 साल होती थी, और वहीं अगर हम जो गर्ल्स की यानी कि लड़कियों की मैरिड जो एज देखें तो टीन एज यानी कि लगभग 16 to 23 के बिटवीन उनकी मैरिज होती थी। सो देयर वॉज ए एज गैप बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ, एंड दिस वुड हैव इंग्रोज इन द कंटेन इंटिटी। यानी कि हम देखें तो जो इसलिए जो पति और पत्नी के बीच आयु का जो अंतर होता था, जो एज डिफरेंस होता था, वो बना रहता था। इससे जो हमारी जो इनइक्वलिटी यानी कि असमानता को कुछ बढ़ावा मिलता था। यानी कि जो हस्बैंड होता था वो एज में ज़्यादा होता था, और जो वाइफ होती थी, जो वुमेन होती थी, वो एज में कम होती थी, जिससे जिसका जो इफ़ेक्ट है
सो देयर वॉज द एज गैप बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ द वुड हैव इंगोज ऑफ कंटेन इन इक्वेलिटीज़. मैरिज वर जनरली अरेंज्ड एंड दे इज नॉट डाउट टू वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट ऑफ डोमिनेशन बाय देयर हजबेंड. जो मैरिज होती थी, जो शादियाँ होती थी, वो आम तौर पर हम देखते हैं जो अरेंज मैरिज, यानी कि जो परिवार की जो सहमति होती थी, उसी से इस तरीके उस समय मैरिज होती थी. और इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होता था कि जो महिलाओं पर उसके पति अक्सर हावी रहते थे. जैसे कि जो उस सोसाइटी में हम देखते हैं, जो जो पब्लिक जो हस्बैंड होते हैं, वो डोमिनेट करते थे वुमेन्स को. साथ ही साथ जो हमारे हम देखें कि द ग्रेट कैथोलिक बिशप वाज स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस लाइफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जो हम देखें, जो सबसे जो महान कैथोलिक बिशप ऑस्टिन थे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अमेरिका में भी बिताया था, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि वो वाज स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ इन नॉर्थ अमेरिका. टेल अस दैट हिज मदर वाज रेगुलरली बिटेन बाय हिज फादर एंड दे मोस्ट अदर वाइंस. यानी कि उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है, पिता से संबंधित और माता से संबंधित बात में लिखा है कि जो उनकी जो माता थी, पिता द्वारा नियमित रूप से उनकी पिटाई की जाती थी. मतलब उनकी माता को उनके पिता के द्वारा मारा जाता था. जैसा कि जो छोटे छोटे जितने भी जो देश और जो नगर हैं, उसमें भी इसी तरीके की देखा गया है कि अधिकांशतः जो पत्नियां होती थी, पत्नियों के शरीर पर पिटने की जो निशान होते थे, वो दिखाई देते थे. तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जो जेंडर में हम कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी के रूप में अगर देखा जाए, तो जो वुमेन्स होती थी, उनको भी प्रॉपर्टी पर पूरे राइट्स होते थे. बट जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ में हम देखें तो जो हस्बैंड होता था, वो वाइफ के ऊपर डोमिनेट, यानी कि उससे उसके ऊपर अपना अधिकार चलाता था. और मोस्टली जो फैमिलीज होती थी, उसमें जो मेंस होते थे, वो ज़्यादा डोमिनेट करते थे.